बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तुसा पे देदो नवाइश न्यू चैनल ते मैं तुहाडा होस्ट सलीम शहीन। नाजरीन तबीयत दी नासाजी दी वजह नाल अज एक छोटा जिहा विलाग बने सां और दोस्तें ने मशवरे दिते अज वाला विलाग साडा सरेकी जबान च सी। नाजरीन तुसा असां जिहड़े वसे विच वसदे हैं यानी साडा जनूबी पंजाब इहदे च वोट त्रै हिस्से तकसीम है। 30% वोट शख्सियत दा हुंदे, 30% वोट जमात दा होंदे और 40% वोट लोग हवा दा रुख देख के देने। यानी इलेक्शन रडियां लोगें कुछ जैसे महसूस थे कि फला उम्मीदवार कामयाब पिया थे तो वो 40% वोट कामयाब सियासतदान वाले पासे कामयाब उम्मीदवार वाले पासे चलिया वेंदा रहिंदा है। नाजरीन साड़ी तहसील जतोई दे कामयाब ग्रुप डू हैं, एक जतोई ग्रुप के नाँ नाल जाने वे और दूजे ग्रुप का नाम बुखारी ग्रुप है। चुनू खान भी तीजा ग्रुप है लेकिन ये वो ग्रुप है जिहड़ा कदें अपने जोर बाजू नाल कामयाब नहीं थी सकिया। ये ग्रुप जदों नहीं कामयाब थे इन्हें कदें जतोई ग्रुप का सहारा गिदे तो कदें बुखारी ग्रुप का सहारा गिदे। और ये मजे की गल है जो इलेक्शन के 40 दिन बाद ई चुनू खान ग्रुप की ऊ ग्रुप नाल जिहदे इतिहाद नाल कामयाब थे उनके नाल इनकी तू तकरार शुरू थी वेंदी है और सोशल मीडिया उत्ते कई कई पोस्टा कई कई बयान सामने आवन पे। नाजरीन तो सिला जुला जो साड़ी तहसील जुतई कई नवे चेहरे भी उम्मीदवार सन जिमें रो आतफ अली खान, खान ग्रुप, राजू सही, आसिफ सलीम और इनके अलावा बे भी कई लोग इो जो सन जेडे इलेक्शन के MPA दे या MNA दे उम्मीदवार सन। नाजरीन जिम्मे मैं तो दिखाया जो साढ़े जनूबी पंजाब वोट त्रै हिस्से तकसीम है यानी शख्सियत दा या जमात दा या हवा दे रुख को देख के लोग जो वोट देने तो जो नवे चेहरे मैं दिखा गया यानी रो आतफ अली खान या खान ग्रुप, राजू सही, आसिफ सलीम ये और नवे चेहरे जिन्हें अपना 1000-2000 तो वोट थी सकते लेकिन हवा का रुख देख के लोगों का वोट इन्हें को कहना मिलती। और नाजरीन पब्लिक प्लेस के लोगों के मुताबिक जड़ा कुछ लोग इन्हें बारे से आते पे वो ये आते पे भाई इन्हें नवे चेहरे को वोट देना वोट जय करने मुतरादिफ होती क्योंकि ये लोग कामयाब तो कहना थी सन। कामयाब तो सिर्फ दो ग्रुप ही थी सकते जतोई ग्रुप या बुखारी ग्रुप इस वास्ते लोगों की तरजीह हो सी या वो जतोई ग्रुप के इलाहाक वाले बंदे को वोट दे सन या वो जरा बुखारी ग्रुप की विंग हो सी ऊकू वोट देव को तरजीह दे सन ते नवे चेहरे को वोट कहना दे सन। और अगर ये नवे चेहरे वोट गिन भी गए 1000-2000-3000-4000 तक वोट गिन सकन इन्हों को कामयाबी वास्ते कम अज कम त्रै इलेक्शन की लौड़ है। त्रै इलेक्शन का मकसद यानी 15-20 साल के बाद ये नवे चेहरे MNA या MPA बन सकते उनके तो पहले इन्हें MPA या MNA बनने का कोई चांस नज़र नहीं पे आते। नाजरीन जिवें जो तक पता है जो गुज़श्ता दिन सिठारी ग्रुप की 5वीं मीटिंग ही थी गई तो दिसंदा जुला जो ई 5वीं मीटिंग दे सैयद बासर सुल्तान बुखारी भी उ अपने हल्के मौजूद हैं और सैयद बासर सुल्तान बुखारी साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया जो मैं अज वाली मीटिंग वंजना चाहना जो ही सिठारी ग्रुप को पता लगे जो ही मुजाहिद खान लगारी साहब को पता लगे तो उन्होंने फौरी तौर पर सैयद हरून सुल्तान बुखारी को कॉल की है जो तुसा साड़ी अज वाली मीटिंग आ वो जै वे सैयद हरून सुल्तान बुखारी साहब ऊ मीटिंग पहुँच गए तो वल सैयद बासर सुल्तान को पता लगे जो मेरा छोटा भाई सैयद हरून सुल्तान बुखारी ई मीटिंग पहुँच चुके तो वल सैयद बासर सुल्तान बुखारी का ऊ मीटिंग वजना मुश्किल बन गए। नाजरीन जै वे सैयद हरून सुल्तान बुखारी साहब ऊ मीटिंग पहुँचन तो उन्हें आखे जो मैं भी अपनी सियासी पग सरदार मुजाहिद खान लगारी के सिर उत्ते रखे न अगर चासी तो मैं इलेक्शन लड़सा अगर वो चासी तो मैं इलेक्शन न लड़सा तुहाड़ा जेड़ा भी मुतफिका उम्मीदवार सी मैं भी ऊक वोट देवन का पाबंद होसा। नाजरीन इतने बैठे बैठा सैयद हरून सुल्तान बुखारी ने अपनी एक राय दी है भी अगर ग्रुप चाहते तो मैं MNA का इलेक्शन लड़ पौना चुनू खान लगारी PP 272 का उम्मीदवार बन वजे और शहद खान सिठारी PP 273 का उम्मीदवार बन वजे। ये गल सुन के सरदार मुजाहिद खान लगारी ने आख्या तो वल इन वास्ते एक मीटिंग थी वजनी चाहिए ई मीटिंग दूजे दी कांड शरीफ के उत्ते एक खसूसी मीटिंग थी गई है
ऊ मीटिंग सरदार चुनू खां लगारी भी मौजूद आ, शहद खां सिठारी भी मौजूद आ, सैयद हरुण सुल्तान बुखारी भी मौजूद आ और इन नाल नाल बे लोग भी मौजूद हैं। ऊ मीटिंग ई गल को डिस्कस किया गया और आखिरकार ये फैसला किया गया जो 3 अक्टूबर तक इंतजार कर गिंदे थे, हतमी फैसला जड़ा है वो 3 अक्टूबर के बाद ही करसूँ। ऊ मीटिंग ये फैसला किया गया भी अगर ये हलका बंदियां बदस्तूर कायम रह गया यानी अपीला मंजूर न थिया तो PP 272 का जरा उम्मीदवार है वो चुनू खां लगारी होसी और PP 273 उम्मीदवार शहद खां सिठारी होसी और MNA का उम्मीदवार सैयद हरुण सुल्तान बुखारी होसी। लेकिन उन्हें यह आख्या जो हतमी फैसला 3 अक्टूबर तो बाद थी सी जो ये बारे अस क्या करना। ई मीटिंग मलिक आबिद महमूद अरीम जेडे जो साबिक चेयरमैन हैं कोटला गामू दे वो भी मौजूद हैं। कुछ लोग ई बारे चाहते पे भी वो ई त्रीजे ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनकी वजाहत यह है जो वो ई त्रीजे ग्रुप का हिस्सा कोई नहीं, वो बदस्तूर जतोई ग्रुप का हिस्सा है। ई मीटिंग उन्हें कुछ सद्या गया एज ए मेहमान और मेहमान बन के गए हैं, ई ग्रुप का हिस्सा बन के ना गया, बल्कि उन्होंने सब तो पहले मुजम खान साहब को इजाजत की दी है जो मैं ई मीटिंग वेंदा पिया। मुजम खान साहब ने उन्हें को बाकायदा इजाजत दी है वल ई मीटिंग गए। नादरीन अहम गल तक दिखना जाना जो ई मीटिंग चुनू खान की गुफ्तगु को साफ जहर पिया जो जतोई ग्रुप नाल बहुत ज़्यादा नाराज हैं। उन्होंने जुबानी मालूम पिया जो वो आते पे मैं जिमनी इलेक्शन मुजम खान को जितवाने तकरीबन 8 से 10 हज़ार वोट लिवाए। उन्होंने मेरे वादा किया जो असा तो एक PP 273 का उम्मीदवार बने सू हूँ वो अपने वादे को मुनहरफ थी गए जहाँ जो अच्छी गल कोई नहीं। ई मीटिंग शहद खान सिठारी के उत्ते भी जोर दिता गया जो वो अपने पत्ते शो करावे यानी वो ये गल शो करावे जो जतोई ग्रुप के केड़े केड़े लोग केड़े केड़े रहनुमा शहद खान सिठारी के नाल हैं। तो शहद खान सिठारी ने वादा किए जो मैं बहुत जल्दी अपने पत्ते शो करे सदरिन। अगर ये त्रीजा ग्रुप मैदान च आ गया जो जो मैं तक दिखा दिते हरुण सुल्तान बुखारी साहब मलिक कसवर साहब जेडे जो चुनू खां लगारी साहब के करीबी दोस्त हैं और अगर PP 272 चुनू खां लगारी उम्मीदवार होया तो मलिक कसवर ही चुनू खान को सपोर्ट करे। इन अलावा सिठारी खानदान सिठारी ग्रुप मुजाहिद खां लगारी ग्रुप और ई त्रीजे ग्रुप के जेडे जेडे दोस्त शामिल हैं अगर ये सारे इकट्ठे थी गए तो ये वो ग्रुप बन गए जेको अस टक्कर का ग्रुप आख सकते हैं यानी ई त्रीजे ग्रुप ने जतोई ग्रुप वास्ते भी चैलेंज साबित थी बने और बुखारी ग्रुप वास्ते भी चैलेंज साबित थी बने। नादरीन आखिर मैं चुनू खां लगारी साहब को यह आखना चाहना भी अगर तुसा अपनी सियासत बका चाहते हो तो हम अपने वड्डे बेटे या छोटे बेटे को उम्मीदवार ना बनाओ, बल्कि समीउल्ला खां लगारी जेडे जो तुहाडे भाई हैं या अजमल खान लगारी साहब को उम्मीदवार के तौर उत्ते सामने गिनो ताकि तुहाडे वोट बैंक खातर खां इजाफा थी सके। नादरीन दे नाल ही इजाजत गिनसा, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं कोई यही दस सो जो सारा उर्दू वाला विलाग ठीक होंगे या सरेकी जबान जो सा विलाग है ये ठीक होंगे। इन ही अल्लाह हाफिज़।